देखिए लौकी बनाने जा रही हूँ, लौकी का खीर, क्योंकि आज आप लोगों को पता ही होगा आज क्या है, नवरात्र का दसवें दिन है, तो मैं आज व्रत हूँ तो लौकी का खीर बनाने जा रही हूँ। पहले मैं लौकी को छील लूँगी। ऐसे ही हम पूरे लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। हम पूरी लौकी कद्दूकस कर लिए हैं, आप देख रहे हैं पूरी लौकी मैं कद्दूकस कर ली हूँ। दूध में बॉयल आने लगा है, अब मैं इसमें लौकी को दूध में डाल दूँ। लौकी डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे। मैं पूरा लौकी इसमें डाल दी हूँ। देखिए मैं ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, किशमिश और गढ़ी ली हूँ। अब मैं खीर में काजू, किशमिश, गढ़ी सब ऐड कर दूँ। ऐड करने के बाद हम इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे। ये आधा कटोरी चीनी है मैं इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें हम चीनी कम डालेंगे, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट डाले हैं तो मिठास होगा, इसलिए हम चीनी कम ऐड करेंगे। अब मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। हम 3 से 4 मिनट पर हाई फ्लेम पर इस पर उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे। हम सिर्फ दूध में बनाए हूँ, इसमें पानी में नहीं डाली हूँ। देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। हम इसे 3 से 4 मिनट तक और उबाल देंगे। हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। हम इसको छोड़ देंगे तो जल जाएगा, नहीं तो हम इसको हमेशा चलाते रहेंगे। 1 या 2 मिनट पे हम इसको चलाते रहेंगे। चार से पाँच मिनट हो गया, अब हम गैस के फ्लेम को अप कर देंगे। देखिए मेरा खीर, लौकी का खीर बन के रेडी हो गया। ये कितना मस्त दिख रहा है, एक बार आप बना के जरूर देखिएगा, बहुत मस्त लगता है लौकी का खीर। ये कितना प्यारा दिख रहा है।